चलाने के लिए ना ढेर सारी ताकत की जरूरत पड़ती है। और तूने मेरे खाने की तरफ देखना भी मत, समझी ना? अपने काम से काम रख। अरे तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो। कल टीचर्स थे, पूरे क्लासरूम को और सजाना बाकी है। वो फैशन की बातें करते रहते हैं, अब कोई आइडिया दे दे। वो क्या है ना, मैं को ये भी सोचना है कि मैं करके सजाएगी कैसे, और उसकी मैच ड्रेस और उसकी ड्रेस मैच नहीं होगी, और अगर उसकी ड्रेस मैच नहीं होगी तो माया का पूरा लुक खराब हो जाएगा, और अगर माया का पूरा लुक खराब हो गया तो बस माया बस, एक बार तेरी प्लेन है ना टेक ऑफ कर लेती है ना, लैंड कभी नहीं करती, उसे क्रैश करना पड़ता है। कितना मजा आएगा कल। कल टीचर्स डे के दिन हम टीचर्स की तरह ड्रेस पहन के आएंगे और जूनियर क्लासेस को पढ़ाएंगे। मैं तो भोला सर की तरह बन के आऊंगा। क्या अभी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब माया को ये डिसाइड करना कि माया कल क्या पहनेगी जिससे वो एकदम सुंदर टीचर लगेगी। हाँ, सुंदर टीचर। ये लाइट को क्या हुआ, कोई गड़बड़ तो नहीं? कैसे फटकने लगी? हाँ, और कल के कपड़े यहाँ वहाँ से मैले भी, ये कोई नई फैशन है क्या? वेरी गुड मोहर्जी, वेरी गुड मोहर्जी। बैठ बैठ। अरे ओबी, है तुम क्या बनाया है? सर एक प्रोजेक्ट है, दिमाग की बात। सर कल टीचर्स डे के दिन ना आप आराम करिएगा और हम जूनियर क्लासेस को पढ़ाएंगे, और वहाँ जो भी सही आंसर देगा तो इसकी बत्ती जलेगी। अरे बाबू। हाँ सर, और इसे पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। अरे बाबू, भीषण भालो, भीषण भालो। दिमाग का बत्ती तो चलना ही मांगता है। क्या होता है एक जो काम ताकत से नहीं होता है ना, वो दिमाग से हो जाता है। हम तुम्हारा गजेट देखेगा, दिखाओ हमको। हाँ इसमें तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, तो ये कैसे जल गई? तुम पकड़ो। तुम ओबी आता है स्कूल, इतना विलोम से आता है? हाँ सर, पिंटू के सर पेट में सर सरदर्द हो गया था। हाँ सर, वो मेरे पेट में मतलब सर में पेट दर्द हो गया था। तो तुम भूखा समझता है, बकवास करता है हमारे साथ। मुझे तो लगता है इन्हें कहीं से तो बहुत जोर का झटका लगा है। दोस्तों तुम सब घबरा मत, सब बिना हड़बड़ी के यहाँ से आराम से बाहर निकलो। चलो 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 चल
रुको रुको रुको, एक काम करो, तुम सब उधर जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, चलो। भूख लगी है, भूख लगी है, बिल्ली की भूख लगी है। भूख लगी है बिजली की भूख लगी है, भूख लगी है बिजली की भूख लगी है। आज हम आपका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ये हॉर्न कैसे बज रहे हैं? ये लाइट 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 कैसे जल रही है? इसमें तो बिजली दौड़ रही है। भूख लगी है, भूख लगी है, बिजली की भूख लगी है। आ गया है बिजली माना, सारी बिजली निकल जाऊंगा। कौन से नए नमूने? दोस्तों हमें कुछ भी करके यहाँ पर सारे लोगों को बचाना होगा। कैसे? अभी वो देख, मैं अभी आया। चलिए 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 चलिए, आइए आइए। सारी बिजली मेरी है, सिर्फ मेरी। सारी बिजली खा जाऊंगा, जो भी बीच में आएगा मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, अंकल कब आएंगे? अभी मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। अंकल कहाँ है अभी? जबरदस्त स्कूल में हुआ, ने वो बताना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ माया, पर वो अभी तक काम से नहीं लौटे। मैं भी इतनी देर से उन्हीं का तो इंतजार कर रहा हूँ। हेलो 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 बच्चों। पापा कैसे हो तुम लोग? अंकल मैं परेशान क्यों लग रहे हो? पापा आप आगे, वो सुबह स्कूल में हुआ कि हाँ मुझे भी अपने मंत्री जी से अभी पता चला, पर तुम लोग घबराओ मत बच्चों, मैं अभी जांच का आदेश देता हूं। सर ऐसा ही तो सुबह स्कूल में भी हो रहा था, पर ये फिर से कैसे हो रहा है? खींच लूंगा सारी बिजली, खींच लूंगा। बच्चों देखो संभल कर चलना, कहीं गिर मत जाना। हाँ मैं खाने के पास जाकर बिजली खाने का वेट करता हूँ। तू भी खाने खाने खाना कर रहा है, वहां तो यार डर रही है कि बिजली कब आएगी और माया अपना ड्रेस और मेकअप कैसे देखेगी। और अगर माया अपना ड्रेस और मेकअप नहीं देखेगी तो कल के लिए स्कूल की तैयारी कैसे करेगी? और अगर कल के लिए स्कूल की तैयारी नहीं करेगी तो कल स्कूल में ड्रेसअप होके कैसे जाएगी? और अगर स्कूल में ड्रेसअप होके नहीं गई तो माया की स्कूल में पूरी इमेज खराब हो जाएगी। बस 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 माया बस, कोई भाग नहीं जा रहा है, आराम से बोल सकती है। अरे बच्चों दादी के रहते हुए तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? मैं अब भी वापस लाइट लेकर आती हूँ। जी जी तो मम्मद्रम इच्छा पूर्तियम। ये लाइट्स नहीं तो मशाल है।
खुशहाल है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। एक मिनट, जल्दी से मंत्र इच्छा पूर्ति। दादी, ये कितनी ब्राइट है, हम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे। लेकिन मुझे गड़बड़ हो गई है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। एक मिनट, जजंदा मंत्रम इच्छा पूर्तियम। माँ, रोशनी करनी है, घर नहीं जलाना। मुझे बताया घर नहीं जलाना है। एक मिनट, अभी ट्राई करती हूँ। वापस जल्दी जल्दी जल्दी, जजंदा मंत्रम इच्छा पूर्तियम। माजन, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? आज वैसे भी काका को छुट्टी दे दी है। मैं जाकर इमरजेंसी लाइट लाती हूँ। पापा, भाई ये सब स्कूल में भी हुआ था। मुझे तो लगता है ये सब उस अजीब आदमी ने किया। मुझे मां ऋषि को जाकर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। नहीं, अभी रात बहुत हो चुकी है और वैसे भी तुम्हारी शक्ति सूर्योदय तक काम नहीं करेगी, इसीलिए सुबह होने तक का इंतजार करना ही बेहतर होगा। ठीक है पापा, तो हम तीनों सुबह निकलेंगे उस आदमी को खोजने। आ गया है बिजली मानव, सारी बिजली निकल जाएगा। बोला सर रुक जाइए, ये हम हैं आपके स्टूडेंट्स। सर रुकिए, कोई नहीं रोक सकता मुझे और अब न कोई रोक पाएगा उस विनाश को जो मैं लाने वाला हूँ। सर, अभी तो हमें सिखाया था कि अच्छाई का साथ दो, बुराई से लड़ो, चाहे सामने जो कोई भी हो, पर अब तो आप ही गलत कर रहे हैं सर। तुम नहीं मानोगे तो हो जाओ अपनी मौत के लिए तैयार, जलाकर खाक में मिला दूंगा। जानती नहीं माया कितने मुश्किल से तैयार हुई है, और तुम दोनों देख लो माया इतनी मुश्किल से तैयार होने के बाद भी कितनी टिप टॉप लग रही है। ओए, जब तक विशु को खाने में जाए ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विशु, पिछली आने तक तो अपने वीडियो गेम्स भी नहीं खेल पाएगा ना। तेरी मैं तो ये भूल ही गया, अब मुझे कुछ करना होगा। मंत्री जी, चल क्या रहा है? हवेली तक में पूरी रात बिजली नहीं आई, जबकि हवेली में बिजली ऑफिस के कंट्रोल रूम से आती है। अगर एक जगह बिजली का परेशानी है तो दूसरी जगह से बिजली जारी रहनी चाहिए। मंत्री जी, पूरे सूरजपुर का रात भर यही हाल था महाराज। मुझे तो रात से ही खबरें आना शुरू हो गई थी महाराज, अभी भी कहीं भी बिजली नहीं है महाराज। पूरे सूरजपुर, इसका मतलब परेशानी बिजली के टावर वाले इलाके में, जहाँ पूरा सूरजपुर में बिजली आती है। का मतलब वो बिजली मानव जरूर वही गया होगा। दादी, हम जाके उस बिजली मानव को रोकते हैं, और आप ये बात पापा को बता दीजिएगा। बाय दादी, चलो। बिजली बोर्ड वालों को बिजली टावर वाले इलाके में भेज दीजिए, मैं खुद जाके मिलता हूँ, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आदित्य, आपको जो भी करना है जल्दी करिएगा। ये बच्चे भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। आज तो स्कूल में ट्रैकिंग है ना, अरे इसलिए तो इतनी सुबह सुबह गए हैं वो लोग। ए, कौन हो तुम? रुक जाओ। ए, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत रोको, मुझे रोकने वाला हर इंसान मरेगा, कोई नहीं बचेगा, जलाकर राख कर दूंगा। जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा, बिजली चाहिए, भूख लगी है मुझे, और बिजली चाहिए। अच्छा हुआ अभी तूने चादरी कालीन बना दिया। मैं विशु, तू एक काम कर, तू नीचे मत देख, ठीक है? ठीक है। चादरी कालीन नीचे, चलो। दोस्तों, बिजली चाहिए। कौन है आप?
रुक जाइए, ऐसे किसी को भी चोट लग सकती है। ले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी बिजली से तुम्हें जलाकर आग कर दूंगा। तेरी तो, ओए नमूने, तेरी वजह से मैं कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। अब देख मैं तुझे मजा सिखाऊंगा। विशु विशु हड़बड़ी मत कर, यहाँ भी सोच नहीं दे। ओए विशु सोचता नहीं है, सिर्फ कर देता है। मैं मजा सिखाऊंगा इसे। और ये अपार जितोशी की रफ्तार। विशु लगा झटका, चला उठ। चल उठ जा विशु, ठीक तो है ना? हाँ। चले जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। कोई होशियारी नहीं करना, वरना जला कर भस्म कर दूंगा। जोर का झटका और जोर से लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है अभी? बोला सर, कैसे हो सकते? कुछ कर अभी। लगता है बिजली के झटके ने इनकी आंखें खराब कर दी है। मुझे बिजली की भूख लगी है, मैं बिजली से बना हूँ, बिजली ही खाऊंगा। मुझे और बिजली चाहिए, हट जाओ मेरे रास्ते से। सर रुक जाइए, ये हम हैं आपके स्टूडेंट्स। सर रुकिए। कोई नहीं रोक सकता मुझे, और अब न कोई रोक पाएगा उस विनाश को जो मैं लाने वाला हूँ। सर अभी तो हमें सिखाया था कि अच्छाई का साथ दो, बुराई से लड़ो, चाहे सामने जो कोई भी हो, पर अब तो आप ही गलत कर रहे हैं सर। तुम नहीं मानोगे तो हो जाओ अपनी मौत के लिए तैयार, जलाकर खाक में मिला दूंगा तुम्हें। आखिरी मौका देता हूँ, आखिरी मौका देता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते। नहीं सर, पीने में सिखाया था कि अच्छाई का साथ दो, हम यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम आपको ठीक करके अपने फेवरेट सर को वापस नहीं मारे थे। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे वापस। वो समय गया, मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, मैं बिजली मानव हूँ और अपनी बिजली से ही लाता हूँ बिना। तुम्हारा तो मैं अभी रुक जा, ये हमारे सर है। पापा को भी बहुत चोट लगी, मैं पहले ही अस्पताल पहुंचाना होगा। सर मुझे जाना होगा, कल मैं वापस आऊंगा और आपको फिर से हमारा फेवरेट सर बना के रहूंगा। सर लेकिन मेरा आपसे वादा है। महारानी जी, महाराज की चोट बहुत गहरी है और ऑपरेशन के अलावा और भी चारा नहीं है। डॉक्टर आप कुछ भी करिए पर आदित्य को कुछ होना नहीं चाहिए। बिना बिजली के ऑपरेशन कर पाना नामुमकिन है। हमारे जनरेटर रात भर चल के खराब हो चुके हैं और महाराज का ऑपरेशन अगर एक घंटे में नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। सिपाहियों, बिजली वापस लाने का एक ही तरीका है, जाओ और जाकर उस बिजली मानव को रोको।
और अगर जरूरत पड़े तो खत्म कर दो उसे। मम्मी पिछली मानव को रुकना बहुत जरूरी है और उसके लिए उसे मार दिया जाए तो मुझे सही नहीं लगता। अभी मैंने बहुत सोच समझ कर ये आदेश दिया है। उस बिजली मानव ने पूरे सूरजपुर पर आतंक फैला रखा है। क्या? हाँ अभी उसने सिर्फ तुम्हारे पापा पर हमला नहीं किया बल्कि बिजली के टावर के आसपास उसने बहुत लोगों पर हमला किया है। पता नहीं कब वो किसे मार दे, इसलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जाइए आप लोग। आइए मैं आपको इनके लिए कुछ दवाइयां लिखवा देता हूं। बेटा मैं जानती हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माया विशु, इससे पहले कि वो सिपाही कुछ भी करे हमें उस बिजली मानव तक पहुंचना है ताकि हम उन्हें वापस भोला सर बना सके, तभी हम पापा और भोला सर दोनों को बचा पाएंगे। और ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक घंटा है। पर बॉस सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे भोले वाले भोला सर बिजली मानव कैसे बने। मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब हमें वहां मिलेंगे जहाँ भोला सर अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनकी फिजिक्स लैब में।